क्या आप जानते हैं कि ये यात्रा कहाँ जा रही है? नहीं पता, बता देता हूँ, ये यात्रा श्री राम भगवान जी की है। ये यात्रा लखनऊ सेक्टर क्यू बालाजी मंदिर से होकर पैदल अयोध्या धाम पैदल यात्रा जा रही है। एक बार जय श्री राम जरूर कमेंट कर देना। क्या आप लोगों को पता है कि 22 जनवरी को बन रहे हैं कई शुभ योग? ज्योतिषियों के मुताबिक 22 जनवरी को कई शुभ योग बन रहे हैं। इस दिन 3 शुभ योग बन रहे हैं, अभिजीत मुहूर्त, सर्ववार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग और रवि योग। ये दिन किसी भी शुभ कार्य करने के लिए बहुत शुभ माना जाता है। इन योगों में कोई भी कार्य करने के लिए बहुत शुभ माना जाता है। इन योगों में कोई भी कार्य करने से व्यक्ति को सभी प्रकार के कार्यों में सफलता मिलती है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक अभिजीत मुहूर्त, सर्ववार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग के दौरान प्रभु श्री राम का जन्म इन्हीं शुभ मुहूर्त के दौरान हुआ था। इस दिन अयोध्या में राम की प्राण प्रतिष्ठा के लिए 22 जनवरी का दिन चुना गया। जय श्री राम। कुछ राम भक्तों का सवाल है कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का समय क्या होगा? इसको बताने से पहले आपके भी मन में कोई सवाल है तो कमेंट जरूर करना। जवाब है, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए 84 सेकंड का शुभ मुहूर्त निकाला गया है। ये समय 22 जनवरी 2024 को 12:29:08 से 12:30:32 तक होगा। जय श्री राम। और लाइक करना मत भूलना। आप लोगों के मन में ये जरूर आया होगा कि रामलला की मूर्ति किसने बनाई होगी, कौन इतना भाग्यशाली होगा? इसको बताने से पहले जो भी भक्त 22 जनवरी को राम मंदिर आने के लिए व्याकुल है, कमेंट में जरूर बताना। रामलला की मूर्ति को कर्नाटक के प्रसिद्ध मूर्तिकार अरुण योगी राज ने बनाया है। यह मूर्ति 5 साल के बाल स्वरूप में है। जय श्री राम। क्या आप लोग जानते हैं राम मंदिर की खूबसूरती के बारे में? अयोध्या में प्रवेश करते ही मंदिर की आभा को महसूस किया जा सकता है। सभी प्रमुख सड़कों पर महर्षि वाल्मीकि आदि बड़ी बड़ी मूर्तियां स्थापित की गई हैं। राम की पैड़ी से साकेत महाविद्यालय तक की दुकानों का रंग एक स्वरूप देने के प्रयास किया गया है। अयोध्या बाईपास पर सूर्य पथ का निर्माण हुआ है। जय श्री राम। अगर आप 22 जनवरी को अयोध्या जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम शुरू होगा। इस दौरान यहां कई वीआईपी से लेकर वीवीआईपी आएंगे। रिपोर्ट के अनुसार देश भर के साधु संत इस ऐतिहासिक दिन में शिरकत करेंगे। ऐसे में यहां काफी ज्यादा भीड़ देखने को मिलेगी और भगवान राम के दर्शन भी अच्छे से नहीं हो पाएंगे। 22 जनवरी को जब अयोध्या में भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम शुरू हो तब आप टीवी पर उन्हें लाइव देख सकते हैं और बाद में परिवार समेत यहां जाने की प्लानिंग कर सकते हैं। जय श्री राम।